वो हमने देखा था ना बख्शी साहब, तुर्की के इशारे पर किस तरह से पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी वो अजरबैजान के लिए जंग लड़ने भी चले गए थे। बिल्कुल, और अभी देखिए ये भी खबर आ रही है कि तुर्की तैयार, क्योंकि देख रहा है कि पाकिस्तान की थोड़ी पतलू ढीली हो रही है, इसलिए तुर्की सीरिया के आतंकी तैयार करके पाकिस्तान में भेजेगा, पीओके में भेजेगा, ताकि वहां से वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करें और गफलत करें। ठीक है साहब, ये अगर हम वापस पलटवार कर सकते हैं जो पाकिस्तान है, तो तुर्की उर्की को भी बिल्कुल साफ उनको क्लियर होना चाहिए कि उनके ऊपर भी रिटेलिएटरी एक्शन होगा। टू स्टार्ट विद वो भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स के नीचे लाए जाएंगे। हाँ। ग्रीक हमारा दोस्त है, ग्रीस के साथ हम भी तुर्की पे दबाव बना सकते हैं। अगर तुर्की यहाँ गफलत कर सकता है, बिल्कुल, तो वो वक्त आ चुका है। ऐसा लगता है जीडी बख्शी साहब, जिस तरह से पाकिस्तान अभी भी अपनी कारस्तानियों से बाज आने को तैयार नहीं नजर आ रहा है, लेकिन रिटेलिएशन क्या मुमकिन है और क्या आने वाले वक्त में जल्दी हो सकता है, ये है बड़ा सवाल। पाकिस्तान में जब टेरर का हेडक्वार्टर फिर से एक्टिव हो गया है, तो राफेल की टेस्टिंग का टाइम भी आ गया है, ये कहा जा रहा है। पुलवामा टेरर अटैक के बाद ठीक इसी जगह पर पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, और अब तो भारत के पास राफेल भी है। पाकिस्तान में घुसने की जरूरत ही नहीं है, राफेल अपने घर में रहकर ही टेरर हेडक्वार्टर्स को फिर से नेस्तनाबूद कर सकता है, यह सुन ले पाकिस्तान। आतंकियों के हाथ में AK-47 राइफल नजर आ रही है, लेकिन अगर राफेल एक्शन में आया तो क्या अंजाम होगा ये दुनिया जानती है। वो राफेल जिसका कोई तोड़ ना पाकिस्तान और ना ही उसके आका चीन के पास है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आतंकी रऊफ असगर कैसे आतंकियों के बीच खुला घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये ग्लोबल आतंकी आप देख सकते हैं। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर उसका ये भाई है, और इसी के नेतृत्व में बालाकोट में आतंकियों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो चुकी है। AK-47 हाथ में लेकर दंदनादन फायरिंग करते हुए भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं इन टेरर कैंप्स में। तो बड़ा सवाल ऐसे में यही है कि राफेल की टेस्टिंग का टाइम क्या आ गया है, यह है बड़ा सवाल। एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान में घुसने की कोई जरूरत अब नहीं है, जैसा कि पिछले साल फरवरी में हमारे वायुसेना के वीर जांबाजों ने किया था, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। राफेल भारतीय सीमा में ही रहकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर सकता है, और वहां पर जो आतंकी कैंप्स हैं, जो दहशतगर्द वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल की रेंज आप जानते हैं कितनी, 600 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए इसकी ताकत का। स्कैल्प मिसाइल 600 किलोमीटर दूर दुश्मन पर सटीक वार करने में सक्षम है, यानी टारगेट फिक्स किया जाता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह मिसाइल टारगेट को हिट ना करे। राफेल की मिटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर तक अचूक प्रहार करने का मादा रखती है। राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में माहिर माना जाता है, और अब यह ताकत हिंदुस्तान के पास है, यह पाकिस्तान जानता है। उसके बावजूद भी बालाकोट में जो टेरर कैंप्स हैं उनको एक्टिव किया जा चुका है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।